इंडिया के उड़ीसा राज्य में एक ऐसा मंदिर है जिसके आर्किटेक्ट और चमत्कार की ऐसी कहानियां हैं जिसे आम आदमी तो छोड़िए वैज्ञानिक भी आज तक समझ नहीं पाए हैं। साइंस की सारी थ्योरीज यहां पर फॉल्स हो जाती हैं। तो आज इस वीडियो में हम 9 ऐसे रहस्यों के बारे में जानेंगे जो इस मंदिर से जुड़ी हुई है, और इन 9 रहस्यों में से एक काफी इंटरेस्टिंग भी है जिसे हम वीडियो के अंत में बात करने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। हिंदू मान्यताओं के अनुसार 4 प्रमुख धाम हैं, बद्रीनाथ धाम, द्वारिकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी, और ये कहानी है पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी की, जहां आज भी भगवान श्री कृष्ण साक्षात रूप में विराजमान हैं। और कहा जाता है कि जहां श्री कृष्ण स्वयं रहते हों वहां लीला, चमत्कार और रहस्य होना तो आम बात है। तो चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। लगभग हर मंदिर में आपने ये देखा होगा कि मूर्तियां धातु की होती है या फिर पत्थरों की, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में मूर्तियां ना ही धातु से बनी होती है और ना ही पत्थरों से, बल्कि इन मूर्तियों को विशेष लकड़ियों द्वारा बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्यों? तो इसके पीछे कई गहरे रहस्य हैं, जिसे हम आगे बताएंगे। 3200 BC में जरा नाम के शिकारी ने शिकार करते हुए श्री कृष्ण के पैरों में गलती से एक तीर मार दिया, जिसके बाद से भगवान कृष्ण ने इस भौतिक जगत को छोड़कर वैकुंठ चले गए, लेकिन उस स्थान पर एक चमकती हुई धातु समान एक वस्तु छोड़ गए। इस वस्तु में काफी तेज उत्पन्न हो रहा था, सैकड़ों मीटर दूर से इस तेज को देखा जा सकता था। जारा ने इस चमकती हुई चीज को कई जगह पर बेचने का प्रयास किया, परंतु यह इतना तेजमय था कि कोई भी इसके सामने टिक ही नहीं पाता। वास्तव में वो वस्तु और कुछ नहीं बल्कि भगवान का हृदय ही था, जिसे बाद में जारा ने एक लकड़ी पर रख कर द्वारका के समीप समुद्र में छोड़ दिया। गुप्त काल के समय अवंती के राजा इंद्रद्युम्न, जो भगवान विष्णु के बहुत बड़े भक्त थे, उनकी श्रद्धा और भक्त वात्सल्य को देखकर भगवान उनके सपनों में आकर उन्हें दर्शन देते हैं और उन्हें ये आदेश देते हैं कि वह समुद्र के पास पहुँचे। अगले ही दिन राजा समुद्र के पास पहुँचते हैं। जब राजा वहाँ पहुँच कर स्नान कर ही रहे थे कि तभी उन्हें एक लकड़ी का गड्ढा और चमकती हुई वस्तु दिखी। जल्द ही राजा ने उस लकड़ी के गड्ढे और चमकती हुई वस्तु को महल में ले आया। उसी रात राजा के स्वप्न में भगवान विष्णु फिर से आते हैं और 3 मूर्ति बनाने का आदेश देते हैं। राजा अब इस लकड़ी से मूर्ति बनाने के लिए कष्टकारों को बुलाते हैं, मगर एक भी कष्टकार ऐसा नहीं था जो इस लकड़ी के तने से मूर्तियों का निर्माण कर सके। कई दिन बीत जाने के बाद महल में एक बूढ़ा कष्टकार आया और उसने राजा से ये कहा कि इससे मैं मूर्ति बना सकता हूँ, परंतु मेरी एक शर्त है। राजा ने तुरंत ही उसके शर्त पूछी, क्योंकि राजा इस लकड़ी से मूर्ति हर कीमत में बनाना चाहता था। कष्टकार ने कहा कि मैं इस मूर्ति को बनाने के लिए 21 दिन का समय लूंगा, उस दौरान मुझसे न कोई बात करे, न ही कोई मिले और न ही मेरे कामों में कोई बाधा डाले। राजा ने इस बात को तुरंत ही मान लिया। अब मूर्ति बनाने का कार्य प्रारंभ हो चुका था, रोज मूर्ति बनाने की आवाज भी आ रही थी। राजा बहुत ही खुश था, मगर कुछ दिनों के बाद ये आवाजें आनी बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि ये बूढ़ा कष्टकार भूख और प्यास से मर गया होगा, और ऐसे में राजा को समय से पहले ही उस स्थान को खोलना पड़ा जहाँ ये मूर्तियाँ बनाई जा रही थी। जैसे ही दरवाजा खोला गया, उसने देखा कि कोई कष्टकार वहाँ पर मौजूद ही नहीं था। मूर्तियाँ अधूरी बनी हुई थी, लेकिन यह भगवान की ही लीला थी, भगवान इसी रूप में आना चाहते थे। अब इस लीला के बारे में हम आगे वीडियो में बात करेंगे। अब जो 3 मूर्ति बनाई गई, उनमें से एक भगवान जगन्नाथ, दूसरा भाई बलदेव और तीसरी बहन सुभद्रा की मूर्ति थी। अब इन 3 मूर्तियों में से एक भगवान जगन्नाथ की मूर्ति में वो चमकती हुई वस्तु को स्थापित किया गया, जो और कुछ नहीं बल्कि भगवान श्री कृष्ण का ही हृदय था। अब जो ये भगवान का हृदय है, उनमें इतनी एनर्जी थी कि कोई भी मेटल या स्टोन की मूर्ति इसे संभाल नहीं सकती थी। अब अगर आपने साइंस को थोड़ा सा भी पढ़ा होगा तो ये जरूर पता होगा कि मेटल और स्टोन दोनों ही गुड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की, और लकड़ियां बैड कंडक्टर होती है इलेक्ट्रिसिटी की। अब अगर इस हार्ट को मेटल या फिर स्टोन के मूर्तियों में रख दिया जाता तो पूरी मूर्तियों में एनर्जी फैल जाती और उन मूर्तियों को कोई भी छू नहीं पाता। इसलिए जगन्नाथ मंदिर की ये मूर्तियां लकड़ियों से बनाई गई है। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में इन लकड़ियों की मूर्तियों को बदला भी जाता है और नई लकड़ी की मूर्तियां फिर से स्थापित भी की जाती है, जिसे नव कलेबरा कहा जाता है। और इस हृदय को
उस नई मूर्ति में स्थापित भी किया जाता है, क्योंकि ये हार्ट काफी एनर्जी प्रोड्यूस करती है। ऐसा कहा जाता है कि समय के साथ ये लकड़ियां कमजोर हो जाती है, लेकिन इन मूर्तियों को बदलने की प्रोसेस और भी इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है जिस दिन मंदिर में किसी को भी एंट्री नहीं दी जाती, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है, और जो पुजारी इस हृदय को नई मूर्ति में स्थापित करता है उनके आंखों में पट्टी और हाथों में मोटे मोटे कपड़े लपेटे जाते हैं, और पूरे अंधेरे में इस हार्ट को नई मूर्ति में स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने इतिहास में इस सेरेमनी को किया है उनका कहना है कि हमने इस चीज को कभी नहीं देखा, जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी कहते हैं, लेकिन इसे हाथों में लेने के बाद ऐसा लगता है कि जिंदा खरगोश को पकड़ लिया हो। माना ये भी जाता है कि जिस किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया उसकी मृत्यु उसी क्षण निश्चित है, इसलिए इस ब्रह्म पदार्थ को मूर्ति में स्थापित करते समय आंखों में पट्टी लगाई जाती है। दोस्तों, इस मंदिर के शिखर में एक ध्वज है जो साइंटिफिक लॉ के विपरीत कार्य करती है। जैसा कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन से हवा चलती है पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और ध्वज भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए, पर जगन्नाथ मंदिर का ये ध्वज हवा के हमेशा अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है, लेकिन क्यों ये आज तक किसी को नहीं पता। इस झंडे की एक और खास बात है, इसे रोज बदलना पड़ता है। इसके लिए मंदिर के पांडु हर रोज 214 फीट ऊंचे मंदिर के शिखर पर चढ़ते हैं और झंडे को बदलते हैं। कहा यह भी जाता है कि अगर किसी दिन ये ध्वज को बदला नहीं गया तो मंदिर 18 सालों तक के लिए बंद कर दिया जाएगा। जगन्नाथ मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है, उनके लिए रोज प्रसाद बनाया भी जाता है, पर जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की लीला छुपी हुई है। इस मंदिर में हर रोज हजारों की भीड़ होती है, लोग प्रसाद भी ग्रहण करते हैं, लेकिन एक भी दिन ऐसा नहीं है जब भक्तों को प्रसाद कम पड़ा हो या फिर व्यर्थ गया हो। ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए मुश्किल ही है। अब जितना ये प्रसाद बांटने की मिस्ट्री है उससे कई गुना मिस्ट्री इनको बनाने की है। अब जनरली मंदिरों में जो प्रसाद बनाने के लिए बर्तनों का इस्तेमाल किया जाता है वो मेटल के होते हैं, लेकिन जगन्नाथ मंदिर में हर प्रसाद लकड़ी की आग में और मिट्टी के बर्तनों में बनाई जाती है, वो भी एक के ऊपर एक 7 बर्तनों में। साइंस और लॉजिक की माने तो सबसे पहले सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद पकना चाहिए, लेकिन वास्तविकता में सबसे ऊपर के बर्तन का प्रसाद सबसे पहले पकता है, फिर उसके नीचे का और अंतिम में सबसे नीचे का प्रसाद पकता है। अब इसे सुनकर आपको भी कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन जगन्नाथ मंदिर की यही महिमा है। अब इस मंदिर की खूबसूरती को शब्दों में बयां कर पाना संभव नहीं। इतने बड़े मंदिर को इतने सालों पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा, किसने इसे डिजाइन किया होगा कि 214 फीट ऊंचे होने के बाद भी इसकी डोम्स की परछाई नहीं बनती। यह सुनने पर आपको विश्वास नहीं हो रहा होगा, लेकिन यह हकीकत है। साइंस आज भी इनकी गहराइयों की तलाश कर रही है। आपने सुदर्शन चक्र के बारे में अवश्य सुना होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है, यह अधर्म का विनाश करता है, और यही अस्त्र जगन्नाथ टेम्पल के शिखर पर भी है। अब इसकी खास बात यह है कि आप जिस भी डायरेक्शन से इस चक्र को देखेंगे इसकी फेसिंग आपकी ही तरफ होगी। अब जो ताजमहल को भारत का सबसे खूबसूरत आर्किटेक्ट कहते हैं, इन्हें ये वीडियो आप जरूर भेजें और ये जरूर पूछें कि क्या अभी भी उनको लगता है कि ताजमहल सबसे सुंदर आर्किटेक्ट है।